टीवी का लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। शो को कई सितारों ने अलविदा तक कह दिया है। हालांकि कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो शो को अलविदा कहने के बाद मेकर्स पर बुरी तरह से भड़के थे, जैसे कि शैलेश लोढ़ा से लेकर जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने भी शो को अलविदा कहने के बाद मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसी ने मेकर्स पर टाइम से पेमेंट ना देने का आरोप लगाया तो किसी ने खुलासा करते हुए बताया कि शो में उनके साथ गलत व्यवहार हुआ था। इस लिस्ट में जाने उन सेलेब्स के नाम जिन्होंने मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बारी है जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल की, जहां से पूरी कहानी ने तुल पकड़ा था। वैसे तो शैलेश लोढ़ा ने इससे पहले आवाज उठाई थी, लेकिन पूरी तरह से आवाज उठाने वाली जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ही हैं। एक्ट्रेस जेनिफर ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स के खिलाफ गंभीर आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने आसिफ मोदी और प्रोजेक्ट हेड के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। जेनिफर ने वीडियो शेयर करते हुए ये भी कहा था कि सच जल्द ही सबके सामने आएगा। बता दें कि एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आसिफ मोदी ने जितना उन्हें टॉर्चर किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। इसके अलावा जेनिफर मिस्त्री ने यह भी कहा कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए गए थे, जिसमें लिखा गया था कि वो शो के बारे में मीडिया के सामने कुछ भी गलत नहीं बोल सकती। अब बारी है मोनिका भदौरिया की। तारक मेहता में बाबरी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने आसिफ मोदी के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 में शो छोड़ने के बाद मेकर्स ने उनका 3 महीने का बकाया पैसा नहीं दिया है। एक्ट्रेस ने कहा, मेरी माँ की मृत्यु के 7 दिन बाद ही मुझे सेट पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। और अब एंड में बारी है प्रिया आहूजा की। एक्ट्रेस प्रिया आहूजा यानी कि रीटा रिपोर्टर ने मेकर्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे शो से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। मेकर्स ने 9 महीने तक मुझे शो पर नहीं बुलाया। एक्ट्रेस प्रिया आहूजा ने बताया कि शो के पूर्व डायरेक्टर से शादी के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाने लगा था। एक्ट्रेस ने बताया, मैंने अपमानित महसूस किया क्योंकि 14 साल तक शो में काम करने के बावजूद उन्हें अपने ट्रैक के बारे में किसी भी मेकर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। खैर, ये था पूरा मामला। आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।